Hi guys, welcome back to Face and Colors. And अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम पल्लवी है और मैं यूजुअली ब्यूटी और मेकअप से रिलेटेड वीडियोस क्रिएट करती हूँ. सो टुडे आई एम गोना रिक्रिएट ऐश्वर्या राय's मेकअप लुक और ये लुक बहुत ही ईजी सिंपल एंड एलिगेंट है और आप ये लुक कहीं भी वेयर कर सकते हैं, लिटरली एनीवेयर. सो बेसिकली ये जो लुक है इट्स गुड फॉर कॉर्पोरेट इवेंट्स, मीटिंग्स और एनी सॉर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन इफ यू आर अपीयरिंग फॉर, एंड दैट्स द रीजन आई एम ड्रेस्ड लाइक दिस टुडे. सो जो भी प्रोडक्ट्स मैं आज यूज़ करने वाली हूँ ट्यूटोरियल में वो मुझे हॉक मेकअप से आए हैं, बट आई चूज द प्रोडक्ट्स माइसेल्फ एंड दैट्स द रीजन जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे मेरे फेवरेट हैं. अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है और आप लेना चाहते हैं तो आप हॉक मेकअप से ले सकते हैं. इट्स अ रियली गुड वेबसाइट और यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी ब्रांड्स है जो एक्सक्लूसिवली हॉक मेकअप पर ही अवेलेबल है इंडिया में एटलीस्ट. ओके, और मैं भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यहाँ से ऑर्डर करती हूँ और काफ़ी सारी यहाँ पे अच्छी ब्रांड्स हैं, डिस्काउंट्स भी हैं और मुझे कुछ ना कुछ डील मिल ही जाती है हमेशा. सो यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक एट इट. सो लेट्स स्टार्ट विद द मेकअप. एंड उसके पहले मुझे एक और बात बतानी है आपको कि आज का जो मेकअप है वो थोड़ा सा हम ग्लोई बेस पे रख रहे हैं एंड दैट इज़ वाई वी विल गोना यूज अ लॉट ऑफ ग्लो प्रोडक्ट्स इन दैट एंड इट्स माई काइंड ऑफ मेकअप. आई लव डूरियन ग्लोई मेकअप. सो लेट्स नॉट वेस्ट मच ऑफ टाइम एंड स्टार्ट करते हैं. सो मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया है और अब मैं प्राइमर से स्टार्ट कर रही हूँ और प्राइमर के लिए मैं मिलानी का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. इसका नाम है प्राइम लाइट फेस प्राइमर और ये इट्स काइंड ऑफ स्ट्रोबिंग. इसमें ना थोड़ा सा शिमर पार्टिकल्स होते हैं तो अगर आप बेस के नीचे इसको लगाते हो तो ये थोड़ा सा ग्लोई लुक देता है, थोड़ा नहीं काफ़ी ग्लोई लुक देता है. और जैसे कि मैंने आपको कहा हम बहुत सारे ग्लो प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाले हैं, दिस इज़ वन ऑफ देम. आप चाहें तो इसको फेस के हाई पॉइंट्स पर भी लगा सकते हैं बट मैं पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ. आई डोंट नो आपको कैमरा पे विजिबल है या नहीं बट इसने ऑलरेडी एक कैनवस बना दिया है ग्लोई सा. सो नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ. ये फाउंडेशन है एली गर्ल प्रो कवरेज हाई डेफिनेशन लॉन्ग वे एल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन एंड इसका शेड है वॉर्म बेज. सो ये फाउंडेशन शेड मैंने ही सिलेक्ट किया था बट इट्स काइंड ऑफ डार्क टू माय टोन. सो मैं थोड़ा सा लाइट शेड इसमें मिक्स करूँगी और देन अप्लाई करूँगी. हल्का सा डार्क होता है फाउंडेशन तो मुझे चलता है बट इट्स लाइक कि ये वाला फाउंडेशन जो है ऑक्सीडाइज बहुत होता है. हालांकि है बहुत प्यारा फाउंडेशन, बहुत ही प्यारी सी ग्लोई फिनिश देता है बट इट्स वे टू डार्क फॉर मी एंड ऑक्सीडाइज होने के बाद वो और डार्क हो जाता है, इसलिए मुझे मिक्स करना पड़ा है थोड़ा सा प्रोडक्ट, अदरवाइज ऐसे भी मैं अप्लाई कर सकती थी. ओके, सो लाइक ऑलवेज मैं फाउंडेशन को पूरे फेस पे स्प्रेड करूँगी डॉट डॉट करके एंड देन आई विल स्प्रेड इट यूजिंग द स्पॉन्ज. ये वाला जो फाउंडेशन है वो इंडियन स्किन टोन के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज इसमें बहुत सारे जो शेड्स हैं वो इंडियन शेड्स हैं और वार्म टोन पर हैं. लाइट शेड्स इसमें कम मिलेंगे आपको बट इंडियन स्किन टोन के हिसाब से काफ़ी सारे शेड्स हैं और ये फाउंडेशन भी बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा है. ब्लेंड भी अच्छे से होता है और इसका कवरेज भी अच्छा है. Now that we have applied the foundation, it's time to conceal. और concealer के लिए मैं use कर रही हूँ मिलानी का conceal plus perfect long wear concealer और इसका shade है warm beige. ये shade proper है मुझे. अंडर आइज के साथ साथ मैंने इसको आईज पे भी लगा लिया है एज अ आई बेस. सो ऑल ओवर मुझे फाउंडेशन और कंसीलर दोनों पसंद आया तो इफ़ यू वांट टू बाय इट यू कैन गो फॉर इट. डेफिनेटली कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें कि आप नहीं खरीद सकते, दे आर एक्चुअली गुड. फिनिश बहुत अच्छा है और इसका कवरिंग पावर भी बहुत अच्छा है.
नाउ कंसीलर के बाद मेकअप को सेट करने के लिए मैं लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ एंड दिस वन इज फिट मी इन द शेड लाइट और मैं कोई कॉम्पैक्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ आज लूज पाउडर ही यूज़ कर रही हूँ अंडर आइज के लिए भी और फुल फेस के लिए भी. ऑलवेज रिमेंबर जब भी आप अंडर आइज सेट करेंगे तो आपको पहले स्पंज से या ब्रश से उसको क्लीन करना है अगर कोई भी क्रीज हो गई हो तो एंड उसके बाद पाउडर लगाना है अदरवाइज अगर आप ऐसी पाउडर लगाएंगे तो ऐसे की ऐसी क्रीज जो है वो सेट हो जाएगी. लूज पाउडर स्माइल लाइंस पे लगाना बहुत ज़रूरी है अदरवाइज वहाँ पर भी क्रीज आ जाती है और वो बहुत गंदी लगती है. लूज पाउडर का जो कवरेज होता है वो थोड़ा सा कम होता है कॉम्पैक्ट से सो अगर आप क्रीज पे लगाना चाहते हैं जैसे अंडर आइज हो गया या नोज के साइड में हो गया या लाफिंग लाइंस पे हो गया तो आई वुड सजेस्ट कि आप लूज पाउडर यूज़ करें ना कि कॉम्पैक्ट. उसके बाद मैं एक्सेस रेवोल्यूशन का फेस पैलेट यूज़ कर रही हूँ. इसमें आता है कंटूर, ब्लश और हाइलाइटर, तीनों है इसमें और इसका शेड नंबर है ग्रेविटेट. अगर आपको नहीं पता है एक्सेस रेवोल्यूशन के बारे में तो मैं आपको बता दूँ ये रेवोल्यूशन मेकअप रेवोल्यूशन का ही प्रीमियम वाला रेंज है और बहुत अच्छा है, क्वालिटी इज सुपर्ब. मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इसके यूज़ किए हैं, आई शैडो पैलेट्स यूज़ किए हैं और भी बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ किए हैं एंड इट इज़ रियली गुड और ये एक्सक्लूसिवली हॉक मेकअप पर ही अवेलेबल है एज ऑफ नाउ. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें यूज़ करेंगे कंटूर, देन वी विल गो फॉर ब्लश और उसके बाद हम यूज़ करेंगे हाइलाइटर. फिर इसके बाद हम नोज कंटूर करेंगे सेम ब्रॉन्जर से. इसके बाद हम ब्लश अप्लाई कर रही हूँ और ब्लश मैं बहुत ही थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ये ब्लश बहुत पिगमेंटेड है और इसमें ना थोड़े से शिमर पार्टिकल्स भी हैं सो अगर आप हाइलाइटर नहीं भी लगाते हैं तो भी काम आपका चल जाएगा. समटाइम्स मुझे कैमरे के लिए थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ता है बिकॉज कैमरे में चीज़ें आधी विजिबल होती हैं आधी नहीं भी होती हैं. उसके बाद मैं हाइलाइटर्स लगा रही हूँ अपने फेस के हाई पॉइंट्स पर. इसका हाइलाइटर इज नॉट दैट इम्प्रेसिव बट अच्छा है बट इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा ब्लश और इसका ब्रॉन्जर है. अब मैं मेकअप को सेट करने के लिए एले गर्ल का ही शिमर स्प्रे यूज़ कर रही हूँ. दिस कैन बी यूज फॉर बोथ फेस एंड बॉडी और इसका शेड है रोज गोल्ड और इसमें भी ना शिमर पार्टिकल्स होते हैं जो कि फेस पे जाने के बाद ऐसे दिखते नहीं हैं बट इट गिव्स यू अ रियली ब्यूटीफुल ग्लोई लुक. एंड मेक श्योर जब भी आप इसको यूज़ करें इसको अच्छे से हिला लें क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट रहता है जो शिमर रहता है वो नीचे बैठ जाता है बट ऐसे हिलाने से वो अच्छा पूरा घुल जाता है. And keep a distance of at least 6 inches when you're applying this. लग रहा है मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लगा लिया. It's time for the lip color. और lip color के लिए मैं मिलानी का lip gloss use कर रही हूँ but उसका base बनाने के लिए मैं NYX की lipstick use कर रही हूँ और it is in the shade Sao Paulo. और इसका shade है Hella Fresh. So पहले मैं ये लगाऊंगी नेक्स्ट वाली एंड देन आई विल टॉप अप विद मिलानी लिप ग्लॉस. मैंने एकदम ओपेक नहीं किया है, आई हैव जस्ट गिवन अ बिट ऑफ अ टिंट.
रियली अमेजिंग, इट डजंट स्मेल अ लॉट, और इसका फॉर्मला भी है जो एकदम ओपेक नहीं है, ग्लॉस जैसा है, थोड़ा सा ट्रांजी है, एंड शेड तो आप देख ही रहे हैं, इट्स पिंक एंड इट्स रियली ब्यूटिफुल. Now that we have completed the face makeup, let's start with the eye makeup. और eyebrows मैंने already कर लिया है. अगर आपको देखना है कैसे करते हैं तो मैंने एक in-depth tutorial बना रखा है, उसका link आपको आई बटन में मिल जाएगा. और आई शेडो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये फ्रेंड्स एक्स रिवोल्यूशन का चैंडलर शेडो पैलेट. बहुत सटल सा लगा रही हूँ मैं, क्योंकि जो लुक हम रिक्रिएट कर रहे हैं उसमें भी बहुत ही सोबर सा है. So we are not applying a lot of it. मुझे कैमरे पे इस आई पे लाइनर नहीं लगता है बिकॉज मेरा एंगल सेट नहीं हो पाता, लेकिन मैंने जब यहाँ इस आई पे लगाया तो मुझे लगा कि कैमरा ऑन है, बट इट वॉज ऑफ. सो आई एम ट्राइंग कि इधर फेस करके लगा लूँ मैं. Now this is the last step of the makeup, और उसके लिए मैं mascara use कर रही हूँ, lashes नहीं लगा रही हूँ, I'm just keeping it simple. So mascara भी है 5B Lash Extra Dimension Mascara from the brand Access Revolution. I was not so much impressed with the Makeup Revolution brand, but XX Revolution का जो भी मैंने use करा है, it have never disappointed me. I really loved all the products from this brand, from this range actually. थोड़ा सा lift करने के लिए मैं color use कर रही हूँ. You can leave it as is. क्योंकि मेरे lashes बहुत छोटी हैं और मैं fake lashes भी नहीं apply कर रही हूँ, so I really need the color. सो ये था आज का सेलिब्रिटी लुक रिक्रिएशन, एंड हमने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके ग्लोई बेस पे रखा है, एंड इट्स काइंड ऑफ वेरी सिंपल एंड एलिगेंट लुक, एंड आई होप आपको पसंद आया होगा. अगर हाँ तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.